एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। मैं हूं अनुज कुमार। आज का जो वीडियो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 27 है, मैथमेटिक्स क्लास 9th की, और डेट है 4 सितंबर 2020। इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये हमें ए बी सी जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए, अब इसमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री, इस एंगल बी को 90 डिग्री का शो करा गया है। ठीक राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि एच से डिनोट करते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण। इस राइट एंगल के बिल्कुल साथ में जो होता है वो होता है बेस, यानी कि बी, आधार कहते हैं हिंदी में। और राइट एंगल के ठीक जो ऊपर लाइन गई है इसे बोलते हैं पी, यानी कि परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। ये जानना जरूरी है। राइट एंगल के ठीक सामने सबसे बड़ी साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनस, और राइट एंगल के एडजेसेंट में दो साइड्स हैं, एक होती है बेस, ये लाइन जो बी सी है बेस, और ए बी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। ये बात क्लियर हो गई। हाइपोटेनस राइट एंगल के अपोजिट, बाकी दो बेस और परपेंडिकुलर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एच होता है, हाइपोटेनस होता है, इसका जब स्क्वायर किया जाए तो ये जो पी है परपेंडिकुलर, इसके स्क्वायर प्लस ये जो बेस है आधार, इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। किसी भी ट्रायंगल में अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और दूसरी चीज, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस और एडजेसेंट में होते हैं परपेंडिकुलर और बेस, कर्ण, लंब, आधार। और क्या क्या बताया, एच जो होता है उसका स्क्वायर करो सबसे बड़ी साइड का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है इस पूरे के पूरे टॉपिक का कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस का सम। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक दो एग्जांपल भी आपको गिवन है इसमें। जैसे इस ए बी सी ट्राइंगल में सी राइट एंगल है, ए सी 5 है, बी सी 12 है। तो देखिए, ए बी क्या है, एक हाइपोटेनस है, तो एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर ए सी हो गया और बी सी हो गया बेस, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ए सी है 5 तो 5 का स्क्वायर, बी सी है 12 तो 12 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, ऐड कर लिया हो जाएगा 169। ठीक है, ए बी का स्क्वायर आ गया 169। आप इसको रूट में भी लिख सकते हो, ए बी बराबर अंडर रूट 169, या ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169 होता है 13 का स्क्वायर। सो दोनों जो पावर होगी ये वो कैंसिल हो जाएगी, ए बी की वैल्यू 13 आ जाएगी, यानी कि 13। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है बिल्कुल। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू राइट एंगल है, इसमें आपको निकालना है इस बार ये बेस, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर हमारा बेस है। 41 का स्क्वायर होता है कितना, 1681, और 40 का हो गया 1600 प्लस बेस। ये इधर भेज दिया, माइनस कर दिया, तो बचा 81, और 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो क्यू आर आ जाएगा आपका 9। चलते इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। चार क्वेश्चन है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए राइट एंगल है इसका, ए सी 10 है, ए बी 5 है,
तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए राइट एंगल है तो देखिए इसके सामने हो गया बी सी एच, ये परपेंडिकुलर हो गया ए सी और बेस हो गया ए बी। तो क्या कर देंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की वैल्यू नहीं पता, परपेंडिकुलर है 10 और बेस है 24, दोनों का स्क्वायर कर दिया 10 का, और ये जो स्क्वायर हमने बना दिया इसको अंडर रूट, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों ऐड हुए 676, इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू आती है 26। मतलब अगर 676 को लिखोगे 26 मल्टीप्लाई 26 पेयर बन के एक बार बाहर आ जाएगा, तो आपका जो H यानी कि BC की जो वैल्यू है वो आ गई 26। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, इसमें X की वैल्यू बतानी है, परपेंडिकुलर बताना है, सिंपल है ये भी, परपेंडिकुलर बताना है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैंने वैल्यू लिख दी है, सारी बता दी गई हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच है 17 तो 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इसका 289 होता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 15 का स्क्वायर 295 कर दिया, माइनस कर दीजिए 289 में से और ये स्क्वायर बन जाएगा रूट, और अंडर रूट 64 की वैल्यू आ जाती है 8, एक्स की वैल्यू 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पी क्यू आर जो दिया हुआ है ट्राइंगल राइट एंगल क्यू पर है, पी क्यू 35 है और पी आर है 37, इसको भी देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। पी क्यू आर राइट एंगल ए पर राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू राइट एंगल है क्यू, तो हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, ये लिख दिया हमने ऐसे फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुट कर दी तीनों की, इसका स्क्वायर होता है 1369, इसका स्क्वायर होता है 35 का 1225, और बेस स्क्वायर माइनस कर दे 1225 को और स्क्वायर बना दे अंडर रूट, बचेगा 12 और 144, और 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट वैल्यू 12, क्यू आर आपका 12 आ जाएगा। सेम पैटर्न है, बस अलग अलग बदलते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है बी पर राइट एंगल है और बाकी वैल्यू निकालनी है आपको ए सी की। देखते हैं इसका फिगर, देखिए बी राइट एंगल है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेनस निकालना है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हम पहले लिख देते हैं कौन क्या है, राइट एंगल बता देंगे, वैल्यू रख दी दोनों की, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाता है 64 प्लस 36, और स्क्वायर हट के रूट बना दीजिए, ये दोनों हो जाएंगे 100 के स्क्वायर रूट वैल्यू होती है 10, तो हाइपोटेनस क्या आ गया इसका 10। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट के समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए गुड बाय।